बीते सोमवार को महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में एसडीएम प्रमोद कुमार द्वारा नगर के ठूठीबारी चौराहे पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों का चालान किया गया। साथ ही एसडीएम ने घूमने वालों को कोरोना गाइडलाइन न तोड़ने की शपथ दिलाई। इस दौरान उल्लंघन करने वालों को कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हमेशा मास्क का प्रयोग करने और घरों में अपने से संबंधित 10 व्यक्तियों को इसकी जानकारी देने की शपथ दिलाई गई। साथ ही एसडीएम ने कहा कि यदि किसी को भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ किसी को समझ में नहीं है, रोड ला रोड जो है जोड़ना करना और यहाँ से लाशें निकाल कर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैयत में जा रहे हो ना, कोई इसी तरह से सब लोग भाग रहे हैं और ऐसे ही भागते रहे तो पूरा एरिया साफ हो जाएगा, कोई जाने वाला नहीं मिलेगा। किसके लिए किया जा रहा है? किसके लिए प्रशासन यहाँ खड़ा है? ठीक है, तो आज से कोई फालतू का बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? आवाज़ जा रही है उधर, कोई फालतू का बेवजह बाहर नहीं निकलेगा। सभी लोग अपने इसे हाथ निकालेंगे और जो मैं कहूँगा एक कसम खाएंगे तो शपथ लेंगे सब लोग ऐसे हाथ निकालेंगे। राइना शपथ लेते आओ, कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन करूँगा, बेवजह मैं बाहर नहीं घूमूंगा, बाहर नहीं घूमूंगा। अगर बाहर घूमते बिना वजह से अगर जो पाए जाए